सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में 7A-side फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में उत्तर भारत से आई करीब 25 टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर फुटबॉल खेल में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वरिष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिता में आई टीमों की हौसला अफजाई की और फुटबॉल में किक मारकर प्रतियोगिता का शुभारंभ भी उनके द्वारा किया गया। इस मौके पर राजीव सैजल ने कहा कि 8 वर्षों से इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ये प्रतियोगिता जिला स्तर पर आरंभ की गई थी और आज ये प्रतियोगिता प्रदेश स्तर पर उत्तर भारत की जानी मानी प्रतियोगिताओं में शुमार है। इस मौके पर पिछली सरकार को कोसते हुए उन्होंने खिलाड़ियों के साथ कुछ भी नहीं किया है और वे खिलाड़ी अच्छी सुविधा से वंचित हैं। लेकिन अब खेल मंत्री गोविंद ठाकुर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने में लगे हैं और खिलाड़ियों की प्रतिभा को किस तरह से निखारा जाए और तराशा जाए इसका प्रयास किया जा रहा है। पिछले 8 वर्षों से यहां पर होने वाला ये आयोजन आज बड़ा गरिमापूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है। कभी जिला स्तर से शुरू हुआ ये आयोजन, पहले प्रदेश स्तर और अब तो उत्तरी भारतीय राज्यों से, कई राज्यों से जो हैं टीमें आकर के यहाँ पर खेलती हैं। हालांकि मैं देख रहा था कि मैदान जो है वो कीचड़ से भरा हुआ है, उसके बावजूद जो खिलाड़ियों का उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं है। और ये पिछली सरकार की, मैं इसको कहूँगा, उन्होंने इग्नोर किया है खेलों को और खिलाड़ियों को इग्नोर किया है। खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए खेलने के लिए। अगर मैदान ठीक नहीं होंगे तो खिलाड़ी राष्ट्र स्तरीय और विश्व स्तरीय खिलाड़ी जो है हम कहाँ से दे पाएंगे। और हमारी सरकार का प्रयास है, हमारे जो युवा ऊर्जावान हमारे जो खेल मंत्री हैं गोविंद सिंह ठाकुर जी, वो लगे हुए हैं और हम निवेदन करेंगे उनसे। हमारे जो यहाँ की मैदान की चाहे वो समस्या है, खिलाड़ियों को अन्य सुविधाएं दिए जाने की समस्या है, राष्ट्र स्तरीय एक उच्च स्तरीय अगर हम बैडमिंटन कोर्ट इंडोर यहाँ पर बना पाएं, फुटबॉल का हमारा मैदान जो है वो अच्छा हो, इस प्रकार खिलाड़ियों को अगर हम सुविधाएं दे पाएंगे, और मुझे निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार जो है खेलों को आगे बढ़ाने में बहुत गंभीर है।